तो मैं बच्चों को बता रही थी कि वहाँ टहलते हुए लेखक को क्या है, जब वो है मोहनजोदड़ो के खंडहर देख रहा था, उसे राजस्थान की याद आ गई। राजस्थान और गुजरात का की दृश्यावली यानी वातावरण एक जैसा है, वैसे ही बहुत अधिक गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, ठीक है, और है सूना परिवेश, बबूल के पेड़, ठीक है। तो लेखक को लगने लगा, साथ ही साथ क्या है वहाँ पर और भी बहुत चीज़ें क्या मिलती जुलती थी। तो हजारों साल पुराने वहाँ के जो हैं ज्वार और बाजरे के खेत, जैसे कि मोहनजोदड़ो में होते थे, आपने है वो बताया गया कि ज्वार और बाजरे के क्या है बीज मिले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है लेखक को वहाँ पर कुलधरा नामक गांव की याद हुआई, ठीक है, जो कि क्या है जैसलमेर के आरंभ में ही, जैसलमेर जिले के आरंभ में ही पीले पत्थरों से बना हुआ बहुत ही सुंदर गांव है, ठीक है। और गांव में की बनावट, उसकी खूबसूरती क्या है सभी व्याप्त है, ठीक है। गांव में घर हैं, ठीक है, पर वहाँ लोग रहते नहीं हैं। समझ में आया कि गांव में बहुत खूबसूरत गांव है, पीले पत्थरों से बना हुआ है, और गांव में है हर जगह उसकी बनावट और सुंदरता क्या है व्याप्त है घरों में, परंतु वहाँ कोई रहता नहीं है, क्योंकि 150 साल पहले गांव में राजा से तकरार यानी झगड़ा हुआ था गांव के निवासियों को, ठीक है। तो यहाँ के राजा से तकरार के बाद, राजा से झगड़े के बाद क्या है कि स्वाभिमानी गांव के लोग गांव छोड़ करके चले गए, ठीक है। तो और साथ ही साथ क्या है जो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर, वो भी लोग उठा ले गए या ये लोग ले गए जो भी हैं, परंतु दरवाजे और है चीज़ें क्या है लोग हैं उठा करके ले गए, तो गांव के केवल खंडहर रह गए, और खंडहर अभी भी गिरे नहीं हैं, सही सलामत हैं। घरों की दीवारें हैं और खिड़कियां हैं, ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कि कल की ही बात हो। तो वक्त वहीं रह गया, खंडहरों ने मानो कि उसे रोक लिया हो, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शाम को घरों में लौट आने वाले हों, ठीक है। तो ऐसा ही मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देख करके लेखक को प्रतीत होता है कि मानो कि अभी यहाँ के निवासी कुछ समय के लिए सुबह निकले हों और शाम को क्या वापस आ जाएंगे, ये सभ्यता संस्कृति वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कुलधरा नामक गांव जो कि जैसलमेर के किनारे पर है, आरंभ में है, उसकी लेखक को याद आ गई, ठीक है। तो कुलधरा में जो पीले पत्थरों से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत गांव है, ठीक है, हर जगह हर घर में उसकी खूबसूरती व्याप्त है, परंतु उन घरों में कोई रहता नहीं है। 150 साल पहले एक राजा से झगड़ा हुआ था, तो यहाँ के स्वाभिमानी नागरिक गांव छोड़ करके या बाशिंदे निवासी रातों रात गांव छोड़ करके चले गए, ठीक है। तो जो सामान वो ले जा सकते थे ले गए होंगे, और बाकी जो सामान था वो है चोर उठा ले गए, यहाँ तक कि दरवाजे खिड़कियाँ भी उखाड़ करके ले गए, परंतु घर अभी ढहे टूटे नहीं हैं, ढहे नहीं हैं, गिरे नहीं हैं, अभी वैसे ही खड़े अपनी सुंदरता को बता रहे हैं, ठीक है। तो लोग नहीं रहते, परंतु ऐसा वहाँ प्रतीत होता है कि मानो कि अभी ये लोग निकले हों सुबह और शाम को वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देख करके प्रतीत होता है कि मानो कि अभी ये सब है यहाँ की निवासी, मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अभी सुबह कहीं गए हैं और शाम को यहाँ पर रहने आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया?
तो लेखक का कहना है कि राजस्थान में ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज जैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। तो लेखक का कहना है कि राजस्थान में जो घर बने हैं कच्ची पक्की ईंटों के, उनकी बनावट बहुत कुछ क्या है, मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है, और वो भी हजारों साल पुराने हैं। गुजरात में भी बहुत से हैं घर इसी शैली के बने हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में भी जो कुएं हैं वह हैं, और है कुंड, जैसे कि महाकुंड था नहाने के लिए, जो कुंड बना हुआ था, और गली गलियां, वो सब क्या है, हजारों साल पुरानी है। तो कच्ची पक्की ईंटों से हजारों साल पुराने घर क्या मिलते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल मोहनजोदड़ो से मिलते जुलते हैं। ठीक है, समझ में आए? केवल राजस्थान में ही नहीं, यानी कि इस सभ्यता की जो छाप है वो क्या है, इन सब घरों में दिखाई देती है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, वैसे ही कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के बने हुए घर, ठीक है, जैसे कि क्या है, हजारों साल पहले थे। जॉन मार्शल ने, जो कि पहले ही आपको बताया कि जो कि पुरातत्व के निदेशक थे, पुरातत्व के क्या है, निदेशक थे, उन्हीं के नेतृत्व में व्यापक रूप से खुदाई आरंभ हुई थी। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है, उसमें खुदाई से मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी का चित्र भी के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, जितने 3 खंडों में, यानी व्यापक रूप से यहाँ पर जो जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ की जो सभ्यता है और संस्कृति है, उसका क्या है, एक पुस्तक प्रबंध यानी पुस्तक छपवाई है, उसमें 3 खंड हैं। तो यहाँ पर जो खुदाई में जो एक बैलगाड़ी मिली है, ठीक है, तो उसमें मिट्टी की जो गाड़ी मिली है उसका चित्र क्या है, उन्होंने क्या है इसमें छपवाया है। और साथ ही साथ क्या है, जो सिंध में उस समय प्रयोग की जाने वाली बैलगाड़ी थी, ठीक है, उसका भी एक चित्र छपवाया है। तो ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी क्या है, हजारों साल पहले की बैलगाड़ी की भांति ही सिंध में उसी तरह की बैलगाड़ी क्या है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, समझ में आया? फिर से बता रही हूँ, पुरातत्व के निदेशक जो कि जॉन मार्शल थे, जिनके नेतृत्व में क्या है, व्यापक रूप से मोहनजोदड़ो की खुदाई आरंभ हुई थी, तो उन्होंने एक इस विषय पर क्या है, प्रबंध, इस विषय पर जितनी भी चीज़ें खुदाई में मिली हैं उसे एक पुस्तक में छपवाया है 3 खंडों में। ठीक है, तो उन्होंने मिट्टी की मिली हुई बैलगाड़ी का चित्र, मिट्टी की मिली हुई बैलगाड़ी का चित्र उसमें छपवाया है। ठीक है, और उसी के बगल में पिछली सदी में, यानी है कि उस समय तक प्रयोग की जाने वाली सिंध में बैलगाड़ी का चित्र छपाया, दोनों एक ही जैसी हैं, जैसी हजारों साल पहले बैलगाड़ी थी वैसी ही बैलगाड़ी क्या है, यह इतने समय बाद भी सिंध में प्रयोग होती थी। ठीक है, तस्वीर में उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया है। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए अधिकतर का आविष्कार हो चुका था जब मैं छोटा था, तो ये छपवा करके उन्होंने सतत परंपरा का, ये परंपरा का को इजहार किया, यानी ये परंपरा को बताया है कि आज भी हजारों साल पहले जैसी गाड़ी का आविष्कार किया था, हमारे निवासी क्या है आज भी उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो बाद में क्या है, लेखक का कहना, आरे वाले पहियों का आविष्कार हुआ, ठीक है, परंतु
पहले क्या है, गांव में लेखक कहना, मैं छोटा था, मुझे याद है कि जब गांव में ठोस पहियों का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो गांव में उस समय क्या है, ठोस पहियों का ही इस्तेमाल होता था। तो बच्चों बाकी मैं कल बताऊंगी।